कक्षा नौवीं की छात्रों, आज मैं आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा नौवीं का विषय संस्कृत का पेपर जो कि आपका 21 सितंबर को होना है, ये आपका रियल पेपर है। इसमें 75 अंकों का आपका प्रश्न पेपर रहेगा, 3 घंटे का इसमें समय रहेगा। 100% 21 सितंबर को यही पेपर आपको देखने को मिलेगा, त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है दोस्तों। और आपके जो बाकी के पेपर हैं वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। निर्देश इसमें सर्वे प्रश्नानु अनिवार्य प्रश्नानु सम्मुख के अंक प्रधानता सर्वे प्रश्नानाम उत्तरानाम संस्कृत लिखा तो संस्कृत भाषा में इसको लिखना है। तो ये आपका 21 सितंबर का रियल पेपर है दोस्तों, अच्छी तरीके से रट लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो चलते हैं सीधा पेपर की तरफ। उचित विकल्प चितवा लिखत, इसमें आपको 6 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक पर विकल्प पर एक एक अंक मिलेगा। तो पहले का गणित, इसमें पदी संधि अस्ति तो यान वृद्धि सादीर्घ या दा गुण, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले का दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा गुण। नेक्स्ट पठितवा इसमें पदी प्रत्यय अस्ति, पहले का व्यक्तु कथवा तुमुन कहा, तो इसका जो दूसरे का जो है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बा कथवा। नेक्स्ट बालकाय इतस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, आ प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो ये तीसरे का है जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक पर एक एक अंक आपको मिलेगा, तीसरे का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट रामस इतमिन पदे विभक्ति अस्ति, तो रामस इतमिन पदे विभक्ति अस्ति चतुर्थ पंचमी सप्तमी अष्टी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द अष्टी। नेक्स्ट अभवत इतस्मिन् पदे लकार अस्ति, लट लकार लोट लकार लणक लकार, तो ये है आपका पांचवा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, इसका भी हो जाएगा दा, तो इसको भी अच्छी तरीके से रट लीजिए। नेक्स्ट अधोलिखत अव्यम नास्ति, जी हाँ दोस्तों अत्र तत्र सर्वत्र छात्र, अधोलिखत अव्यम अस्ति नास्ति, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट इसका, तो ये थे दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर। नेक्स्ट कोठताम चितवा रिक्त स्थानम पूरियत करत, तो ये आपके खाली स्थान है दोस्तों, पहले का जो खाली स्थान है दोस्तों पठितवा इतमिन पदे खाली स्थान प्रत्यय अस्ति, तो इसका राइट आंसर है कितवा। दूसरे का तुमन प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, तो इसका है पठितुम। तीसरे का है अधिकारा इतमिन पदे उपसर्ग अस्ति, तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अधि। नेक्स्ट गच्छन्ति इतमिन पदे खाली स्थान धातु अस्ति, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गम। नेक्स्ट है पश्यति इतमिन पदे खाली स्थान लकार अस्ति, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दो हो जाएगा लिट लकार। नेक्स्ट प्राचार्य इतमिन पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दो वो हो जाएगा प्रा। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 के आपके सही विकल्प, जिसमें आपको एक एक अंक के आपके क्वेश्चन थे। तो ये था दोस्तों आपका संस्कृत का पेपर है दोस्तों, 21 सितंबर को त्रैमासिक परीक्षा का यही पेपर देखने को मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट शुद्ध वाक्य नाम सक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना, तो इसमें आम और ना आपको लिखना है। देवेंद्र इसमें पदे गुणा संधि अस्ति, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आम, सही है। दूसरा विद्यालय इतमिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, इसका जो दूसरा हो जाएगा वो भी हो जाएगा आम, ये भी सत्य है। तीसरा सज्जम पदस्थ सत्सजन विच्छेद ना अस्ति, ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये ना अस्ति, तो ये ना हो जाएगा। पितरी समस्या सस विग्रह माता चा पिता चा भवती, तो ये भी आपका हो जाएगा दोस्तों ना। अव्यभिभाव समस्यास उदाहरणम यथाशक्ति ना अस्ति, तो ये आपका पांचवा, ये भी ना हो जाएगा। पहला दूसरा आ, तीसरा चौथा पांचवा ना। पीताम्बरा बहु विग्रह समास उदाहरणम अस्ति, तो ये आपका दोस्तों लास्ट है, ये भी आपका आम हो जाएगा। तो पहला दूसरा आम, तीसरा चौथा पांचवा ना और छठवा आम, तो ये थे दोस्तों आपके एक एक नंबर के। माफ कीजिए, जो आपका चौथा है वो भी आम है, गलती से ना लिख गया था। नेक्स्ट आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उचित उगल मिलन गुरुद, तो ये आपकी सही जोड़ी है, इसमें भी आपको 6 सही जोड़ी दी गई है। पहले का है रसाल और दूसरे का है पूधन अन, तीसरे का है आपका मनोहर, चौथे का है आपका चौकाकिनी, पांचवें का है आपका पीताम अंबराम यस सा, और छठवें का लास्ट का है आपका नवीनम। तो ये हैं आपके एक एक नंबर की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कक्षा नौवीं का विषय संस्कृत का पेपर है जो कि आपका 21 सितंबर को देखने को मिलेगा, 100% यही पेपर आएगा। एक पदेन उत्तरम लिखत, इसमें आपको एक पदेन उत्तर लिखना है। तो पहले का जो हो जाएगा कुत्र दरिद्रता ना भवती, तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिय बाबाय पदाने, तो ये हो जाएगा पहले का। दूसरे का है इसका कवि का वाद यद्वि वाणी पार्थ यदि, तो दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बीराम। तीसरे का है तुला की दृशा आसीत, तो जो आपका तीसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोह घाटिता। नेक्स्ट सरसा रसाला कदा रसंती, तो ये हो जाएगा चौथा। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बसंते। पांचवा स्वर्ण काक कान अखा दता, तो चौथे का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
ये आपका पांचवा, माफ कीजिए, तंडुलन। नेक्स्ट, कुंभलकार घटान किमर्थ रचयिता, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट, जीविका हेतु। तो ये था आपका एक पदयन का आंसर। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक छः की तरफ। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक छः दोस्तों, और ये प्रश्न क्रमांक छः का अथवा ये भी आपकी दो दो नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके आंसर अभी मैंने आपको डाले नहीं इस वीडियो में, अगली वीडियो में डाल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये प्रश्न क्रमांक सात का, और ये प्रश्न क्रमांक सात का अथवा प्रश्न क्रमांक आठ, प्रश्न क्रमांक आठ का अथवा कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न क्रमांक नौ, और ये प्रश्न क्रमांक नौ का साथ में अथवा भी, तो इसको भी देख लीजिए, आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दस, काल का रस विभिति अथवा खालिस्तान अन्य तपोवत विग्राणा कुत्र गता, तो ये आपका दसवां, और ये आपका ग्यारहवां, ये आपका, ये भी आपका दो दो नंबर का है दोस्तों, ग्यारहवां कुछ इस प्रकार से है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से रख लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया आंसर अगले वीडियो में मैं आपको डाल दूंगा, ये आपका बारहवां। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये बारहवीं का दूसरा, तीसरा, और ये आपका तेरहवां कुछ इस प्रकार से है, ये आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। और ये आपका प्रश्न क्रमांक चौदह, तो आप इसको भी देख लीजिए, चौदह का एक दो तीन। ये आपका प्रश्न क्रमांक पंद्रह, पंद्रह में भी आपको एक दो तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक सोलह, तो इसको भी आप देख लीजिए, इसमें का खा गा घा, तो इसमें चार दिए गए हैं, इनके आंसर मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। प्रश्न क्रमांक सत्रह, मंजू साता सहायता भाषे, ये आपका हो जाएगा। ये आपका प्रश्न क्रमांक अठारह, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से रख लें दोस्तों। कक्षा नौवीं का विषय संस्कृत का पेपर है, जो कि आपका 21 सितंबर को होना है, रियल पेपर है दोस्तों, देख लीजिए अच्छी तरीके से। इसके आंसर कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों, पहले का, पहले आपको इसको अच्छे तरीके से रट लेना है। तो दोस्तों जो आपका आगे का पेपर है और इसके आंसर हैं, वो भी मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके जितने भी नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं के त्रैमासिक के पेपर हैं, वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो जल्दी से जल्दी जाकर देखें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, धन्यवाद। ये था आपका 19 का।